उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से पारा छत्तीसगढ़ की सियासत का चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। कोरबा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्ज में डूबी हुई है, जबकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं करती है। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में लगभग 7 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% की राशि देनी थी। केंद्र सरकार द्वारा राशि तो दे दी गई, मगर राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं दी गई। यही कारण है कि प्रदेश में आज भी लोग पक्के आवासों के लिए महरूम हैं। रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 20,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से पृथक होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी के कारण आज छत्तीसगढ़ में 20,000 से अधिक महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं और पूरे प्रदेश भर में धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश भर में करप्शन चरम पर है। यही कारण है कि प्रदेश में लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। प्रदेश में भू माफियाओं का राज है और रेत तस्करी के लिए प्रदेश सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में संरक्षण दे रही है। रेत के मूल आसमान छू रहे हैं। आम लोगों को इस कारण से घर बनाने में दिक्कत हो रही है। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में अधिकारियों के पद स्थापना को लेकर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग के लिए बोलियां लग रही हैं, जिसकी चर्चा ठेले और गुमटियों पर आमतौर पर हो रही है। भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता की ओर शायद ध्यान आकर्षित हो। प्रदेश में किसानों के हितैषी बनने वाली सरकार आज बारदाना उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है। किसानों को खुद बारदाने लाने मजबूर किया जा रहा है। प्रदेश में पुराने धान रखरखाव के अभाव में सड़ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक क्षति भी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि ना कहीं नरवा है, ना कहीं घुरवा है, और गरवा भी नेशनल हाईवे पर दिख रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर तुष्टिकरण आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्रियों द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश में बदहाली जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और सरकार का कोष खाली होता जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस रवैये के कारण छत्तीसगढ़ को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।